तो गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जावा जो कि 19 जो लेटेस्ट वर्जन है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडो पर, और चाहे आपकी कोई सी विंडो 11 हो, चाहे आपकी 10 हो या आपकी 7 हो, तो कोई सी विंडो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और हम इसमें प्रैक्टिकली देखेंगे भी, इसमें जावा का फर्स्ट प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा। एंड सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, और यहाँ पर आपको टाइप करना है जावा डाउनलोड, और आपको यहाँ पर आ जाना, आपको ये ओरेकल वाला लिंक ओपन करना है यहाँ पर। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो जावा 17 जो कि ओल्ड है, जावा 19 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आपको आने के बाद आपको देख सकते हो आपका कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि मैक विंडो, तो हम विंडो के लिए कर रहे हैं तो मैं विंडो पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको दूसरा जो x64 इंस्टॉलर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है तो आप इसे कर लेना। मैं इसे बस इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर आकर, एंड मैं यहाँ पर आता हूँ अपने और यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। देख सकते हो जावा 19, और इसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड नेक्स्ट पे, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले सकता है, तो थोड़ा वेट करना। एंड इसके बाद क्लोज कर दोगे इसे यहाँ से, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इसके बाद आपको अपने सी ड्राइव माना, इसका वेरिएबल सेट करना हमें, और यहाँ पर आपको आना प्रोग्राम्स फाइल में, और यहाँ पर आपको देखना जावा जावा, यहाँ पर यह आपको इस तरह का फोल्डर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर JDK 19 और बिन माना आपको, और आपको ये वाला पाथ यहाँ पर क्लिक कर देना ऊपर इस तरीके से, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, और इसके बाद आपको इस पाथ को कॉपी करने के बाद एंड आपको टाइप करना है इन्वायरमेंट एडिट द सिस्टम वेरिएबल, इतना टाइप करोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, आपको इस पर ओपन करना है। एंड इसके बाद आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन शो होगा इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पर आपको पाथ का ऑप्शन शो होगा इस तरीके से, आपको इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपको न्यू करके टाइप करके इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना एंड इसे ओके कर देना, और इसे भी ओके कर देना यहाँ से, और इसे भी ओके कर देना। एंड इसके बाद अगर आप टर्मिनल पाओगे चेक कर लेना इसे कि हमारा जावा सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, तो टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप टाइप करोगे जावा सी क्या कंपाइलर, आप इंटर करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपको शो होता जावा इज़ नॉट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब कि आपने जो इसका पाथ है वेरिएबल वो सेट नहीं किया, तो आपको जैसे मैंने अभी बताया वैसे अब आपको वेरिएबल सेट करना पड़ेगा इसका। एंड मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, और इसके बाद हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और उसे रन करते हैं। तो मैंने नोटपैड में यहाँ पर जावा का फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हेलो जावा टाइप करके मैंने लिख लिया, एंड इसे ऐसे सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं। टेस्ट डॉट जावा, तो मैं इसे थोड़ा बाहर सेव करता हूँ, जो फोल्डर है हम बाहर आते हैं, इसे मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप यहाँ पर, और इसे सेव कर देते हैं। एंड आफ्टर इसे रन करते हैं यहाँ पर हम, एंड आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है, और मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। हमने जो प्रोग्राम सेव किया था वो डेस्कटॉप पे किया था, तो सीडी और डेस्कटॉप पे मुझे पहुँच जाना है, डेस्कटॉप, और प्रोग्राम का नाम था मेरे जो यहाँ पर भी दिख रहा होगा टेस्ट डॉट जावा नाम से, तो मैं इसे जावा सी क्या कंपाइलर है जिसके थ्रू हम अपने जावा का प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, एंड डॉट जावा प्रोग्राम का नाम, और इंटर करूँगा तो ये हमारा कंपाइल हो चुका, कोई भी इसमें एरर नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ से जावा हटा देना और यहाँ से सी हटा देनी है इतना, और इसके बाद अगर मैं सब तो गाइस जो टेस्ट का नाम था वो प्रोग्राम का तो टेस्ट था, इसका नाम था कैपिटल में था हमारी क्लास का नाम, और मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हो जो आउटपुट है वो आ चुका है यहाँ पर, हेलो
जावा। कहीं अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।